नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लिखा खत। खत वायरल होते ही लोगों ने कहा कुछ ऐसा। अभी हम आपको पूरी वीडियो दिखाने वाले हैं और आपके सामने भी नरेंद्र मोदी का वो खत दिखाने वाले हैं जिसको नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भेजा है। क्या लिखा है खत में, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि भारत को मिटाना चाहते हैं, एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान की सेना हमारे जवानों को मारने की कोशिश करती है। पाकिस्तान का आतंकवाद भारत को मिटाने की कोशिश करता है और इसमें प्रधानमंत्री इमरान खान का हाथ भी है। फिर भी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खत क्यों लिखा, क्या लिखा गया खत में, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए। आपके स्क्रीन पर एक खत दिख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि एक पड़ोसी देश के तौर पर भारत पाकिस्तान के लोगों के साथ खुशगवार रिश्ते चाहता है। उन्होंने खत में लिखा है कि ऐसा संभव बनाने के लिए आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त और विश्वास और भरोसे से भरे माहौल की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के नाम लिखे इस खत में अपने इन विचारों का इजहार किया है। वहीं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी के नाम लिखे पत्र में पाकिस्तान दिवस की मुबारकबाद पेश की है। तो आपने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के ये खत ऐसे वक्त में लिखा जब दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा पर नए सिरे से संघर्ष विराम लागू किया गया है। बीते महीने दोनों देशों की मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल DGMO ने एक साझा बयान जारी करते हुए अचानक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की घोषणा की थी। तब से सीमा पर खामोशी और दोनों तरफ से संघर्ष विराम का पूर्ण पालन भी किया जा रहा है। वहीं सिंधु नदी जल वार्ता के लिए पाकिस्तान का एक 8 सदस्यीय दल पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर ए आलम के नेतृत्व में भारत में अपने समकक्षों के साथ नई दिल्ली में वार्ता कर रहा है। ये बातचीत 2 साल बाद हो रही है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने एक बयान में कहा था कि दोनों देशों की पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने खत में लिखा है कि पाकिस्तान दिवस के मौके पर वो पाकिस्तान के लोगों को अपनी मुबारकबाद देना चाहते। उन्होंने इमरान खान को संबोधित करते हुए लिखा कि इस मुश्किल वक्त में वो उन्हें और पाकिस्तान के लोगों को कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। कुछ दिन पहले इमरान खान जब कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए शुभकामनाएं भी भेजी थी। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में हाल के महीनों में अचानक आई गर्माहट के पीछे किसी तीसरे देश के होने की कयास भी लगाए जा रहे हैं। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने कुछ दिन पहले स्वीकार किया था कि सऊदी अरब और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की पूरी कोशिश करेगा। अरब न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में आदिल अल जुबैर ने कहा था कि सऊदी अरब पूरे इलाके में अमन चाहता है और इसके लिए कोशिश कर रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्टों में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में संयुक्त अरब अमीरात के मध्यस्थता करने का दावा भी किया गया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत हुई है। हालांकि भारत या पाकिस्तान ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। विश्लेषक का ये भी मान रहे हैं कि हाल की घटनाएं पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों का नतीजा है। यानी हम आपको बता चुके हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खत क्यों भेजा, ये भी हमने आपके सामने चर्चा कर ली। और वहीं पर हमने आपको बताया कि इस वक्त जो तनाव है, यानी इस वक्त बात करें तनाव कम है, लेकिन पिछले 1-2 महीने में देखें तो तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। संघर्ष विराम उल्लंघन पर रोक लगाई गई, यानी जो पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था उस पर नियम कानून बनाए गए। और सबसे बड़ी बात है कि सऊदी आ रहा बीच में और सऊदी ही दोनों देश
में जो गर्माहट है उसको कम करने की कोशिश कर रहा। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जितना हो सके वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि सच्चाई जनता के सामने पहुँचे। और आज नरेंद्र मोदी ने क्यों किया, खत क्यों भेजा, आखिरकार वजह क्या आन पड़ी थी, यह भी हमने आपको दिखा दिया है। बाकी बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।